गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं हम आपके एंटोमोलॉजी का जो कोर्स है एंटो 311 पढ़ रहे थे हम, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम कुछ फील्ड क्रॉप के पेस्ट पढ़े थे, कुछ वेजिटेबल के पढ़े थे, उसके बाद अभी आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्टोरेज वाले पेस्ट है। स्टोरेज वाले पेस्ट में अपने पहले कुछ हो चुके हैं, मैंने आपको बताया, पहले हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक तो होते हैं जो दो तरीके बताए थे मैंने आपको इसके, है ना, एक तो होते हैं एक्सटर्नल प्राइमरी और सेकेंडरी थे पहले, फिर सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया कि आपके सिलेबस में नहीं है, प्राइमरी जो है उसको बाद में दो कैटेगरीज में बांटा गया था, एक्सटर्नल सीट बोरर और जो है इंटरनल सीट बोरर। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाले हमने पढ़ लिए थे, इंटरनल वाले भी मोस्ट ऑफ हो गए थे, आपका एक पेस्ट बचा है। अब तक हमने जितने भी स्टोरेज पेस्ट पढ़े हैं वो सब कौन से ऑर्डर के थे, कोलियोप्टेरा। ठीक है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के थे, ये मैंने आपको बताया भी था कि आपके स्टोरेज के अंदर आपके सिलेबस में जितने भी पेस्ट है वो मोस्ट ऑफ किसके हैं, जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर है इसके। लेकिन अब बात करेंगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से ऑर्डर का है, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, एकमात्र पेस्ट आपके सिलेबस में जो स्टोरेज के अंदर आता है और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, कॉमन नेम बात करें तो इसको ग्रेन मोथ भी बोल देते हैं या फिर इसको बोल देते हैं एंगुमोइस ग्रेन मोथ। एंगुमोइस ग्रेन मोथ भी इसको बोल देते हैं या फिर इसको बोल देते हैं ग्रेन एंड सीड कैटरपिलर। ये अलग अलग इसके नाम हैं। आपको मोस्ट ऑफ जो आएगा जो सिलेबस के अंदर अगर बात करें या एग्ज़ाम के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको यही नाम मिलेगा मोस्टली, एंगुमोइस ग्रैन मोथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सीरियल्स। जो वर्ड है ये तो आपने सुना ही होगा नाम सीरियल्स। ठीक है, इसके आगे ई डब्ल एल ए लगाना है आपको, सीटोट्रोगा सेरिलेला। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब बात करेंगे इसके फैमिली की, तो फैमिली इसकी हमने पहले भी दो पेस्ट ही पढ़ी है, एक तो आपको याद हो तो पिंक, जो पिंक बॉलवर्म हमने पढ़ी थी, या फिर पोटेटो का जो ट्यूबर मोथ हमने पढ़ा था वो सेम फैमिली थी, कौन सी, गैलेचिडी। गैलेचिडी फैमिली है इसकी। इसके बाद बात करेंगे इसके ऑर्डर की, ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ऑर्डर इसका कौन सा है, लेपिडोप्टेरा। तो ये ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम, फैमिली, ऑर्डर। और अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना, मैंने भी आपको बताया एकमात्र पेस्ट है आपके सिलेबस के अंदर जो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा से, और जो स्टोरेज पेस्ट है। गैलेचिडी दो बार लिख दिया क्या, गैलेचिडी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, इसके नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे तो नेचर ऑफ डैमेज में हम क्या पढ़ते हैं कि जो कोई पेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो डैमेज कैसे करता है, उसका एक्ट क्या है, किस प्रकार है उसका लाइफ साइकिल है जो वो चलता है और डैमेज करता है। तो सबसे पहले तो कि कौन सा है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, है ना, कौन सा है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो कॉमन सी चीज़ क्या है कि इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाएगी, तो जो कैटरपिलर स्टेज जो है, कैटरपिलर स्टेज है वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, कैटरपिलर। तो डैमेज मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, इसकी सिर्फ कैटरपिलर स्टेज डैमेज करेगी। इसके बाद जो एडल्ट है, एडल्ट जो है उसका काम क्या रहता है, सिर्फ जनरेशन को आगे बढ़ाने का, ठीक है, संतति बढ़ाने का काम करता है वो। इसकी जो फीमेल होती है वो क्या करती है,
जब फील्ड के अंदर हमारी जब क्रॉप की बात करेंगे, फील्ड के अंदर क्रॉप रहती है हमारी, जब हार्वेस्ट होने वाली होती है, उससे पहले ये एडल्ट फीमेल जो होती है ये क्या करती है, जो फली जो होती है, ठीक है, फील्ड के अंदर मान लीजिए ये कोई ग्रेन वाली फली है, इस फली के ऊपर जाके वो क्या करती है, एग लेइंग कर देती है, ठीक है। अब एग लेइंग कर देगी, इसके बाद ये जो एग हैचिंग होगी, एग्स के हैचिंग होने के बाद लगभग 6 से 7 दिन बाद जब हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जो कैटरपिलर निकलेंगे, ये कैटरपिलर क्या है, इसके अंदर जो ग्रेन्स रहते हैं, इन ग्रेन्स के अंदर क्या करेंगे, अब बताया आपको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो इसके माउथ पार्ट कौन से होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग, है ना, काटने और चबाने वाले। तो ये सीड को क्या करेंगे, थोड़ा सा काट के एक हिस्से को और इसके अंदर इंटर हो जाते हैं, सीड के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब ये तो कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब भी आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरनली सीड बॉर्न है, और इंटरनली सीड बॉर्न का मतलब क्या है, सीड को अंदर ही अंदर से वो खाएगा। तो अंदर इंटर होने के बाद इस सीड को क्या है, अंदर ही अंदर से वो फीड करता रहता है, या तो इसका लाइफ साइकिल यहीं चलता रहता है, नहीं तो क्या होता है, जैसे इंटर होगी उसके बाद मान लीजिए आपने हार्वेस्ट की क्रॉप को, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद जब थ्रेसिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग करने के बाद अब ये क्या है, यहाँ से ये ग्रेन है, ये हम कहाँ लेके जाएंगे, स्टोरेज में, है ना, भंडारण गृह में लेके जाएंगे। अब भंडारण गृह में लेके जाने के बाद जब हम उन्हें वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तो फिर इनके अंदर, क्योंकि बाहर से सीड देखने पे पता नहीं चलता है कि इसके अंदर किसी पेस्ट का अटैक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर से वो निकल के बाहर आते हैं, जो कैटरपिलर है उसको अंदर ही अंदर फीड करेंगे, और उसके बाद क्या है, इसी से बाहर आएंगे निकल के, प्यूपा इसी के अंदर होता है, एडल्ट निकल के बाहर आता है, फिर वो दोबारा क्या है, जो भी स्वस्थ ग्रेन होंगे, है ना, जो ग्रेन बिल्कुल सही ग्रेन है आपके स्टोरेज में, इन्फेक्टेड नहीं है अभी तक, उनके ऊपर जाके एग लेइंग करता है, और उसके बाद वापस ये क्या है, ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका नेचर ऑफ डैमेज फील्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या है, स्टोरेज में भी इसकी चलती रहती है जनरेशन, प्लस क्या है, क्योंकि मौत है, फ्लाई करता है काफ़ी, तो ये क्या है, उड़ के वहाँ से जो आसपास की क्रॉप होती है वहाँ पे जाके वो जो भी फली हमारी होती है या फ्रूट जो होता है उसके ऊपर भी जाके क्या करती है, ये एगलिंग कर देती है, और ये लाइफ साइकिल ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो नेचर ऑफ डैमेज इसका यही है, बाकी जैसे इंटरनली सीड बॉर्न का है वैसे, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, डैमेजिंग स्टेज इसकी कौन सी है, सिर्फ कैटरपिलर। अब बात करेंगे चलिए इसके लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो लाइफ साइकिल के अंदर आपको पता है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है, लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, 4, ठीक है, 4 स्टेज होगी। अब वो 4 स्टेज कौन कौन सी होगी, एग, लार्वा या फिर कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, यही 4 स्टेज होगी, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे, अगर सबसे पहले बात करते हैं एग की, ठीक है, जो एग है, एग लेइंग इसकी कहाँ होती है, या तो मैंने आपको बताया फील्ड के अंदर, ठीक है, जो मौत जो भी होगा एडल्ट वो फ्लाई करके जाएगा, आसपास का जो भी फील्ड होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद जो फलियाँ बनी होती है उनके ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर ये क्या है, एग लेइंग करता है, उसके बाद उससे हैचिंग होने के बाद लार्वा निकलता है, या फिर जो भी दरारें जो बनी हुई है आपकी जो भंडार गृह है उसके अंदर, दीवारों में या फिर फर्श में, ठीक है, फर्श हो गया, दीवार हो गया, छत के ऊपर हो गया, इनमें जो भी छोटी छोटी दरारें जो रहती है उनके अंदर क्या है, ये एग लेइंग कर देती है, इसकी फीमेल जो है उनके अंदर एग लेइंग करती है। उसके बाद क्या है, उससे जो कैटरपिलर निकल के आती है वो फिर क्या है, आसपास जो भी ग्रेन्स पड़े हुए हैं उनके अंदर आके और नुकसान पहुंचाने लग जाती है या फिर उनको इन्फेक्ट करती है। अगर एग की बात करें तो इसका साइज होता है 0.5 mm साइज होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर के एग्स होते हैं, 0.5 mm साइज होता है, बाद में इनका कलर क्या हो जाता है, ब्राइट रेड, ठीक है, यानी कि चमकीला लाल रंग का हो जाता है, ठीक है, और हैचिंग इसकी होती है लगभग 6 से 7 दिन बाद हैचिंग हो जाती है, और ठीक है ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें, ये जो एग है, अभी मैंने आपको टाइम तो बता ही दिया इसका कितने दिन, लगभग 5 से 7 दिन के बाद क्या है, इसकी हैचिंग हो जाती है। अब बात करेंगे लार्वा की या कैटरपिलर की, जो इससे निकल के आते हैं, ठीक है, तो कैटरपिलर की बात करेंगे। अब ये जो कैटरपिलर निकलेंगे ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी स्वस्थ ग्रेन है या आसपास जो भी इनको ग्रेन मिलेगा उसके ऊपर क्या है, ये एग लेइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक, सॉरी
फीडिंग स्टार्ट करेंगे। फीडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ये कोई ग्रेन है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ये अपने माउथ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कौन से माउथ पार्ट होते हैं इसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, तो ये क्या करेंगे इसको यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे। काटने के बाद इसके अंदर इंटर होंगे और इंटर होने के बाद क्या है इसको अंदर ही अंदर से फीड करते रहेंगे और बाहर का ये जो सीड कोट है ना, जो सीड कोट है बस यही बचता है, अंदर का पूरा जो फूड मटेरियल है वो इसको खा जाते हैं। इसकी वजह से ग्रेन जो है बहुत हल्का हो जाता है, ये ना तो खाने लायक रहता है और ना ही बाद में ये आगे इनसे नया प्लांट ग्रो हो पाता है, क्योंकि ये अंदर का सारा पार्ट जो है वो खा जाते हैं। ठीक है, एग्स की बात करें, एक फीमेल जो होती है वो अपने लाइफ साइकिल में लगभग 400 एग्स देती है। ठीक है, अब ये जो कैटरपिलर जो निकल के आती है ये क्या होती है, वाइट कलर की, ठीक है, वाइट कलर की होती है और प्लस क्या है इसका जो फेस जो होता है, या बात करें हेड जो होता है, हेड कैसा होता है येलोइश कलर का, यानी कि पीलापन लिए हुए होता है, येलोइश कलर का पीलापन लिए हुए होता है और इसका कलर बाद में जो है वो क्या हो जाता है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन हो जाता है, वो भी कैसा ब्राइटन यानी कि चमकीला, ठीक है, बाद में क्या हो जाता है कलर जो है वो चमकीला भूरे रंग का हो जाता है। अब बात करेंगे इसके साइज की, ठीक है, तो इसका साइज होता है 6 mm, ठीक, 6 mm तक इसका साइज होता है। अब बात करेंगे इसके बाद जो स्टेज आती है यानी कि प्यूपा स्टेज, तो सबसे पहले तो ये हो गया कैटरपिलर जो है इसका नेचर ऑफ डैमेज मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको लाइफ साइकिल का पूछा जाए, एग्ज़ाम में सिर्फ लाइफ साइकिल का पूछा जाए, तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इसका नेचर ऑफ डैमेज भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, प्यूपा स्टेज की। ठीक है, तो इसका जो प्यूपेशन होता है या प्यूपा जो बनता है वो कहाँ बनेगा, विद इन सीड, सीड के अंदर ही बनता है। ठीक है, सीड के अंदर ही बनेगा। प्यूपा जो होता है वो कैसा होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है प्यूपा भी। ठीक है, सीड के अंदर ही होता है। ये क्या करता है, सिल्कन कोकून, मैंने आपको दो प्रकार के कोकून बताए थे, तो सिल्कन कोकून बनाता है ये, यानी कि रेशम का रेशम का कोकून बनाएगा अपनी बॉडी के चारों ओर और फिर उसी के अंदर क्या है ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है और जिससे क्या है बाद में एडल्ट बाहर निकल जाता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है 5 mm, लगभग 5 mm के आसपास इसका साइज होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्यूपा स्टेज, एग हो गया, लार्वा हो गया, या कैटरपिलर की बात करेंगे, प्यूपा हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अपने इसके एडल्ट स्टेज की। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था जो होती है, एडल्ट जो है यानी कि प्यूपा बनने के बाद लगभग 7 दिन बाद ये क्या है एडल्ट बाहर निकल के आता है। और एडल्ट जो होता है ये क्या होता है, इसका साइज भी क्या होता है लगभग 6 mm साइज होता है, लेकिन 12 mm तक इसका क्या होता है विंग का स्प्रेड, विंग स्प्रेड जो होते हैं यानी कि पंखों का फैलाव जो होता है वो कितना होता है लगभग 12 mm तक होता है। साइज 6 mm होता है बॉडी का, लेकिन पंखों का फैलाव कितना होता है 12 mm तक। कलर इसका भी क्या होता है ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, वो भी कैसा ब्राउन, चमकीले भूरे रंग का। ठीक है, चमकीले भूरे रंग का कलर होता है इसका। और इसके अलावा बात करें इसकी एंटीना की, तो एंटीनी इसमें होती है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंटीना होती है। बाकी इसके अंदर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है खास। ठीक है, ये एडल्ट की क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके पहचानने के उसके लक्षण हैं। इसके बाद अगर बात करें लाइफ साइकिल की, तो एडल्ट है, एडल्ट के बाद जैसे ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या है कुछ समय बाद बाद में क्या है फिर से एगलिंग स्टार्ट होती है, और एगलिंग स्टार्ट होने के बाद फिर से क्या है ये लाइफ साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करें इनके विंग्स की, है ना, विंग्स स्प्रेड तो हो गया, अब विंग्स की बात करें तो विंग इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े से ऐसे मतलब नुकीले होते हैं किनारों से, और उसके ऊपर क्या है बड़े बड़े भूरे कलर के क्या है ब्राउन कलर के हेयर्स रहते हैं इनके ऊपर, ब्राउन कलर के हेयर्स रहते हैं इनकी विंग्स जो होती है उनके ऊपर।
ठीक है, ऐसे क्या है, ब्राउन कलर के हेयर्स रहेंगे जो भी विंग्स होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब अगर बात करें टाइम की, है ना, कौन कौन, अगर लाइफ साइकिल में बात करें कौन सी अवस्था कितने समय की होती है, तो सबसे पहले तो क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, तो लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी यार, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, यही चार स्टेज होगी, ठीक है। अब बात करें एग से जो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट बनेगा, और एडल्ट से बाद में फिर से क्या बनेगा, जो है एग, ठीक है। अब बात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये अपने को पता है, है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब बात करेंगे टाइम के, तो एग जो होता है, एग से क्या है 4 to 7 यानी कि 4 to 7 दिन बाद में क्या है, एग से क्या है कैटरपिलर बाहर निकल के आता है, कैटरपिलर जो होता है इससे फिर जो है 14 to 20 दिन बाद, लगभग 14 to 20 दिन की स्टेज होती है ये, इसके बाद क्या है प्यूपा बाहर निकल के आता है, और प्यूपा से फिर बाद में क्या है 7 to 10 दिन बाद, इसके 7 to 10 दिन बाद फिर एडल्ट बनता है, और एडल्ट जो होता है एडल्ट बनने के बाद वापस से क्या है 2 to 3 दिन बाद में फिर से ये क्या है, यानी कि एडल्ट बनने के बाद फिर इनके बीच जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या है उसके 2 to 3 दिन बाद वापस से क्या है एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, और यही जो है साइकिल पूरा चलता रहता है, ठीक है। अब अगर बात करें इनकी जनरेशन की, तो एक साल के अंदर इनकी कितनी जनरेशन पाई जाती है, लगभग 4 to 5, 4 to 5 जनरेशन जो है पर ईयर इसकी, एक साल में लगभग क्या है 4 to 5 जनरेशन पाई जाती है। और टोटल लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो टोटल लाइफ साइकिल जो है इनका वो कितने दिन में पूरा हो जाता है, 27 to 40 days, यानी कि 27 to 40 दिन के अंदर अंदर इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब हम बात करेंगे आज इसके बाद इसके मैनेजमेंट की, यानी कि इसके नहीं पूरे स्टोरेज जो पेस्ट है, अब आपके कंप्लीट जो स्टोरेज पेस्ट है ये पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जितने भी स्टोरेज पेस्ट थे, अब मैंने आपको कैटेगरीज भी बताई थी कि प्राइमरी है, प्राइमरी में कौन कौन से एक्सटर्नल फीडर्स हैं, कौन कौन से इंटरनली फीडर्स हैं, एक्सटर्नल फीडर्स बस दो ही है, एक तो रेडस्ट फ्लोर बीटल और एक जो है आपका खपरा बीटल, ठीक है। तो इनके अलावा अगर आपको नेचर ऑफ डैमेज पूछा जाए तो आप कम से कम इतना तो लिख ही सकते हो कि ये जो पेस्ट है ये इंटरनली सीड बोर्न है, इसका मतलब क्या है सीड को अंदर ही अंदर से फीड करेगा, उसके बाद क्या है वो बाहर से खोखला हो जाएगा और सिर्फ सीड कोट बचेगा, लेकिन जो एक्सटर्नली सीड बोर्न है वो क्या करेंगे उसको बाहर से ही फीड करेंगे, और सेकेंडरी पेस्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं तो उनको वैसे भी आपको याद नहीं रखना है। तो आज हम बात करेंगे इसके जो जो कंट्रोल मेजर्स है या फिर मैनेजमेंट के जो है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो मेन फैक्टर हैं, कौन कौन से मेन फैक्टर है जो कि क्या है इसको प्रभावित करते हैं इन इंसेक्ट को, या फिर जिनके थ्रू हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि क्या है इसको प्रभावित करते हैं, तो उनका ध्यान रखना है हमें, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि नमी, नमी की बात करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। किसी भी अगर बात करें पेस्ट की, आपको उसका मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, नमी। अब नमी क्या है हर इंसेक्ट के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए एक फिक्स जो है मॉइस्चर परसेंटेज होता है, अगर उससे कम है तो वो डैमेज नहीं पहुँचा सकता है उसको, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर बात करें तो लगभग जितने भी पेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी पेस्ट हैं उनके लिए क्या है 10% यानी कि 10% जो मॉइस्चर होती है वो सफिशियंट होती है, इससे कम जो मॉइस्चर होती है, ठीक है, इससे कम जो मॉइस्चर होगी 10%, 8 to 10 कर लीजिए इसको, 8 to
10%। अब 8 से 10% से अगर कम नमी है तो क्या है, इंसेक्ट इनको डैमेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम जब स्टोरेज करें तो हमें उनकी नमी ज़रूर चेक करनी है, यानी कि सीड को जब स्टोरेज करते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर नमी जो है वो 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक, अब ये तो है नहीं कि अगर फार्मर की बात करें, एक फार्मर लेवल पर अगर बात करें तो एक किसान के पास तो कोई यंत्र थोड़ी होता है जिससे वो चेक करेगा कि 8 से 10% है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, साधारण सा एक तरीका अपनाते हैं। जो भी सीड को आप स्टोर कर रहे हो उसको हम क्या करते हैं, दांतों से तोड़ के देखते हैं, ठीक है। दांतों से तोड़ के देखते हैं, अगर कट की आवाज़ आती है यानी कि नमी का तो पता चल ही जाता है अगर किसी चीज़ में नमी है। तो अगर वो सीड ड्राई है और उसको हम जब काट के देखते हैं तो वो अगर कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब क्या है, वो सफिशियंट है, उसके अंदर नमी है। अब हम उसको क्या है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख दी जाती है। अब बात करें मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में क्या है, ये सफिशियंट है, इससे कम अगर आप नमी रखोगे या इतनी नमी रखोगे तो डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर बात करें जो पेस्ट है खपरा बीटल, ठीक है, इसका एक आधा क्या है एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बता देता हूँ। खपरा बीटल जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्या है, इसके ऊपर नमी का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत, अगर इससे कम भी नमी हो जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकता है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए फिर भी यह क्या है सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए क्या है जो मेन फैक्टर होगा वो हम उसके बाद पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट मॉइस्चर के बाद। लेकिन इसको छोड़ के, यानी कि खपरा बीटल को छोड़ के बाकी जितने भी पेस्ट है उन सब का हम क्या है मॉइस्चर को कम करके उनकी क्या है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब मॉइस्चर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड को सन ड्राइंग करते हैं, ठीक है। सीड को क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे ग्रीष्म काल में, यानी कि समर सीजन के अंदर हम क्या करेंगे सन ड्राइंग, यानी जो सीड हैं उनको धूप में सुखा के रखते हैं काफ़ी समय तक, जिससे क्या होता है अगर उनके अंदर इंसेक्ट की कोई लाइफ साइकिल की अगर कोई स्टेज भी सर्वाइव कर रही है उसके अंदर जीवित है तो वो भी क्या है मर जाती है, प्लस क्या है इनके अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाती है। ये तो अगर बात करेंगे एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो हम हमारे घरों में अपना सकते हैं। अगर बात करें वाइड लेवल पर या फिर जो भी वेयर हाउस वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, उनके अंदर मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, यानी कि यांत्रिक, या बात करें इलेक्ट्रिक, वहाँ क्या है इलेक्ट्रिक मशीनें होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती है जिनकी वजह से, जिनकी सहायता से क्या है जो सीड है उनकी नमी को एक फिक्स लेवल तक कम किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मॉइस्चर का हो गया, ठीक है। तो ये क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत और इसको क्या है हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पेस्ट को। लेकिन अगर बात करें, ये तो ठीक है आपने एक बार इसको स्टोर कर लिया, नमी कम करके भी स्टोर कर लिया, इसके साथ साथ मेन चीज़ जो ध्यान रखी जाती है वो क्या है कि हमारी भंडार गृह की जो दीवारें हैं जो वॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वॉल्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए मॉइस्चर प्रूफ होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ होनी चाहिए यानी कि नमी रोधी होनी चाहिए। अगर बारिश का सीजन है, ठीक है, बरसात का सीज़न आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही बारिश होगी तो इनके अंदर वापस से क्या है ग्रेन्स जो है वो नमी सोख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है वापस से इंसेक्ट का है जो लॉस वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद सेकंड जो है फैक्टर उसकी बात करेंगे वो है ऑक्सीजन, ठीक है, सेकेंड जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कह सकते हो या फिर वायु कह सकते हो आप। तो ऑक्सीजन की जो है, ऑक्सीजन की मात्रा मेनली हम बात करें अगर, तो कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है या प्रभावित होता है ऑक्सीजन से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो खपरा बीटल जो पेस्ट है ना, खपरा बीटल जो पेस्ट है ये क्या है, ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है जब भी आपने देखा होगा कि खपरा बीटल का डैमेज कहाँ होता है, ग्रेन में ऊपर से
एक या दो फीट तक ही उसका डैमेज होता है, नीचे उसका लॉस जो है वो नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में ये डैमेज नहीं कर पाता है। तो अगर बात करें इसके लिए अगर परफेक्ट लेवल की, तो 16.8% माना जाता है कि अगर इससे कम ऑक्सीजन हो जाए तो जो खपरा बीटल है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम हमारे जो भंडार ग्रह हैं, ठीक है, भंडार ग्रह जो होंगे, स्टोरेज हमने जो बनाए हैं, अब इनमें क्या है, स्टोर हाउस जो होते हैं इसको हम वायुरोधी बनाते हैं। ठीक है, वायुरोधी या फिर एयर टाइट बोलते हैं। तो इनको क्या करते हैं, एयर टाइट बनाते हैं। एयर टाइट क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर जो है हवा का आवागमन नहीं हो, उसको ना तो हवा अंदर आ सके और ना बाहर जा सके। इस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा करने के बाद मान लीजिए आपने एक बार ग्रेन्स को उसके अंदर स्टोर कर लिया स्टोर ग्रह में, अब उसके बाद क्या है, आप उसको अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए या हवा वायु है जो उसका आवागमन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो स्टोर हाउस के अंदर एक बार जो पहले से मौजूद ऑक्सीजन है उसका क्या होगा कि ग्रेन्स, अब क्या होते हैं जो ग्रेन जो होंगे, ठीक है, सीड जो होंगे यानी कि ग्रेन्स प्लस इंसेक्ट, दोनों ही क्या है रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ करेंगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये यूज़ कर लेते हैं पहले ही, अब उसका कंजप्शन होता रहेगा, नई ऑक्सीजन बाहर से अंदर इंटर नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे क्या है इस ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी और बाद में इंसेक्ट जो है वो धीरे धीरे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या बात करें उसके द्वारा जो है ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि जो हमारा भंडार ग्रह है उसको हमें क्या करना चाहिए, एयर टाइट रखना चाहिए। अगर कम है ग्रेन्स तो उसको पहले बॉक्सेस जो होते हैं, ठीक है, लकड़ी के या टिन के जो भी बॉक्स है उसके एयर टाइट बॉक्स के अंदर स्टोर करके उसको फिर स्टोर हाउस में रखते हैं ताकि नमी जो है या सॉरी ऑक्सीजन जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती। अभी हम बात करेंगे थर्ड जो मेन जो है थर्ड फैक्टर जो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बात करेंगे यानी कि तापमान। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है या नमी है, अब बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे ही मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है ना, मॉइस्चर में क्या होता है, हर इंसेक्ट की बात करेंगे या मोस्ट ऑफ इंसेक्ट के लिए एक फिक्स मॉइस्चर होता है कि वो क्रिटिकल लेवल होता है, उससे कम होने पर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते और ज़्यादा होने पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे ही टेम्परेचर के केस में है, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसके बाद क्या है अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाते और कम हो जाए तब भी। अगर बात करें कम टेम्परेचर की, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है लो है, ठीक है, लो टेम्परेचर है तो इंसेक्ट अपने लेवल पे, यानी कि अपने लेवल पे वो क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर, यानी कि काफ़ी जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, हीट स्पॉट बनाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हीट स्पॉट, यानी कि क्या करेंगे ग्रेन्स के अंदर, है ना, जो ग्रेन्स है मान लीजिए ये कोई भी आपका स्टोरेज वाली बुखारी वगैरह है, अब इसके अंदर क्या है ये ग्रेन्स जो है ना, तो ग्रेन्स में ये क्या करते हैं फिर बाद में इनको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, काफ़ी सारे इंसेक्ट एक जगह इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद एक झुंड सा बना लेते हैं और इसके बाद क्या इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उनकी वजह से क्या है आपस में इकट्ठे होकर यहाँ पे क्या है जो है नमी, यहाँ का जो तापमान है उसको बढ़ा देते हैं एक फिक्स स्थान का, ऐसे ही क्या है ये जगह जगह ऐसे बना लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं हीट स्पॉट बोलते हैं। इन हीट स्पॉट की वजह से क्या है अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वो क्या करते हैं इस स्थान पे आके अपना जो टेम्परेचर है वो उसकी पूर्ति कर लेते हैं, या फिर बात करें इनका लाइफ साइकिल है जो वो चलता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में, एक तो हमें क्या समय समय पर क्या है ग्रेन्स जो है उनको बदलता रहना चाहिए, यानी कि पलटते रहना चाहिए। हम क्या करते हैं इस ग्रेन्स को जो नीचे वाले है उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, ठीक है, यानी कि इनको क्या है मिक्सअप करते रहते हैं, बार बार इनको क्या है चेंज करते रहते हैं, इससे क्या होगा ये हीट स्पॉट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हीट स्पॉट ख़त्म हो जाएंगे तो क्या है ये जो इनका लाइफ साइकिल जो चलता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे इसके बाद
हीट स्पॉट हो गया। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, इसके अलावा तो हमें क्या करना चाहिए, जो एयर टाइट वाला है वही फॉर्मूला अपनाना है, यानी कि आपको जो रूम जो भी है या स्टोर हाउस वाला जो रूम है उसको पूरा एयर टाइट रखते हैं, बंद रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो एयर अंदर नहीं आएगी। अब एयर अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वन था टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे, ये तो थे मेन मेन फैक्टर जो प्रभावित करते हैं इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को या फिर उसके लिए जो ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे चैनल्स की, है ना, कि वो कौन कौन से चैनल हैं जिनके माध्यम से इंसेक्ट जो है वो इंटर होता है या फिर बात करें पहुंचता है हमारे स्टोर हाउस तक। तो सबसे पहले इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट जो है, तो फिर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टोरेज जो पेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था पल्स बीटल हो गया, है ना, इसके अलावा और भी होते हैं पेस्ट। अब वो क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा इंग्लिश ग्रेन मोथ अभी पढ़ा, ये क्या करते हैं, ये फील्ड कंडीशन से, है ना, क्या करते हैं फील्ड से ही इनका लो स्टार्ट होता है, हमें पता है, ठीक है, फील्ड कंडीशन से, यानी कि जब हमारी फसल खेत के अंदर होती है उस समय क्या होता है, जब ग्रेन्स बन रहे होते हैं पॉड्स के अंदर उस समय क्या होता है, इनका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इनकी फीमेल जो होती है यहाँ एगलिंग करती है और इसके बाद ये क्या है, इनकी जो लार्वल या जो भी स्टेज होती है वो ग्रेन्स के अंदर रहती है और इसी के बाद क्या है, थ्रेशिंग जब हम करते हैं तो थ्रेशिंग के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे जो भी स्टोर हाउस है वहाँ पे। तो एक तो ये हो गया चैनल, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे तो हमारा जो खेत है उसके आसपास जो भी स्टबल्स पड़े रहते हैं, है ना, कूड़ा करकट जो रहता है, उस कूड़े करकट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेन क्रॉप हार्वेस्ट होगी, तो मेन क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद आसपास जो भी स्टबल्स रहते हैं वहाँ पे क्या होती है, इनकी स्टेज रहती है और ये उनके ऊपर क्या है, एज ए अल्टरनेट होस्ट इनको यूज़ करके और अपना लाइफ साइकिल है उसको चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी है एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसके माध्यम से ये हमारे खेत तक पहुँचते हैं या फिर बात करें सॉरी खेत से स्टोरेज हाउस तक पहुँचते हैं। अब थर्ड बात करेंगे, जो भी व्हीकल्स जो भी है, यानी कि हम जो यूज़ करते हैं किसके लिए, इनको ढोने के लिए, ढुलाई के लिए जो भी साधन यूज़ करते हैं, मान लीजिए वो बैलगाड़ी हो गई या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, जो भी है जिनके माध्यम से हम क्या है हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग करने के बाद क्या है, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग करने के बाद ये जो सीड्स हैं इनको स्टोर हाउस तक लेके आते हैं, उसके लिए जो भी चैनल यूज़ करते हैं हम, अब वो चाहे बैलगाड़ी हो या कोई और, तो उनके माध्यम से, यानी कि उनके अंदर भी क्या है ये छिपे हुए रहते हैं, कुछ जो इनकी स्टेजेस है वो उनके ऊपर रहती है, फिर उनके साथ क्या करते हैं ये, जब हम उनके अंदर ग्रेन्स वगैरह भर के लाते हैं तो इनकी जो स्टेज है उनके साथ मिक्स हो जाती है और फिर उन्हीं ग्रेन्स के साथ हम इनको भी क्या है स्टोर हाउस में ले आते हैं, जिससे आगे से आगे इनका लाइफ साइकिल है जो चलता रहता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो हम स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए आप इनको जूट बैग्स में स्टोर कर रहे हैं ना, यानी कि जूट की जो भी बोरियां वगैरह है उनके अंदर आप इनको अगर स्टोर कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप पुरानी बोरियां यूज़ करते हैं, अगर हम क्या करते हैं पुरानी जो है बोरियां यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, इनके अंदर इनकी जो स्टेज है या जो फिर बात करें जो सुषुप्तावस्था में रहती है जो स्टेज, वो बोरियों के अंदर रहती है और जैसे ही हम उनके अंदर ग्रेन्स फिल करते हैं तो बाद में क्या है इनको अनुकूल टेम्परेचर या फिर बात करें नमी मिलने के बाद वो क्या है वापस से अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं और इनका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसके माध्यम से भी क्या है ये अपना डैमेज जो है वो आगे चालू कर देते हैं, इन ग्रेन्स के अंदर दोबारा से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अब बात करें कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे रूफ़ वगैरह है ना, जो भी दीवारें हैं, वॉल्स हैं या फिर रूफ़ है, इनके अंदर क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ग्रेन मोथ के बारे में, एंग्विश ग्रेन मोथ की हमने पढ़ा था, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये इनके बीच जो भी दरारें बनी होती है वो चाहे वॉल्स के अंदर हो या रूफ़ के अंदर हो या फर्श के अंदर हो, तो ये इनके अंदर क्या है इनकी कुछ स्टेजेज जो है वो छुपी हुई रहती है, या फिर बात करें एग जो स्टेज है वो इनके अंदर दे दी जाती है ना, एग्स वगैरह, तो क्या है इसके माध्यम से भी क्या है ये यहाँ छिपे हुए रहते हैं और इसके बाद जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ से निकलकर वो जो ग्रेन्स हैं उनके ऊपर नुकसान पहुँचाना उनको स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो क्या है, अब अगर बात करें एडल्ट इंसेक्ट है
और वो फ्लाई कर सकता है यानी कि उड़ सकता है, जैसे एंग्विश ग्रैंडमोथ का हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, फ्लाई करके या फिर उड़ के क्या है, खेत से गोदाम तक और गोदाम से खेत तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से भी बहुत सारे इंसेक्ट पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज जो होती है ना, लार्वल या कैटरपिलर जो स्टेज होती है, वो भी क्या है, रेंगती हुई, क्योंकि ये उड़ तो सकते नहीं है, तो ये क्या है, रेंगती हुई चलती हुई भी क्या है, अगर खेत और गोदाम आसपास है, नज़दीक में है, तो ये क्या है, ऐसी स्टेज जो है वो रेंगती हुई भी हमारे गोदाम जो होती है गोडाउन तक पहुंच जाती है और इनके द्वारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इनका लॉस जो है वो स्टार्ट होता है, या फिर बात करें जो चैनल जो है जो काम आते हैं या जिनके थ्रू ये हमारे स्टोर हाउस तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। अब प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, या प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, यानी कि कौन कौन से मेजर्स हैं हम जिनको अप्लाई करेंगे, जिनके थ्रू हम क्या है इनको आने से रोक सकते हैं, हम इनको जो है स्टोर हाउस में आने से रोक सकते हैं, उनके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग है, अगर बात करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट हम बात करेंगे गोदामों की सफाई, यानी कि जो गोदाम है ना, या फिर स्टोर हाउस जो है उनकी सफाई से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है, जो भी गोदाम वगैरह हैं उनकी सफाई करनी है। अब इनकी सफाई करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, सबसे पहली जो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है कि जहाँ तक हो सके, ठीक है, जहाँ तक हो सके हमारे जो गोदाम है वो क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, यानी कि क्या है, पक्की ईंटों से बने हुए होने चाहिए, है ना। पक्की ईंटों से बने हुएंगे तो क्या है, जो भी इनके मिट्टी के अंदर अगर बात करें आपके रूफ़ वगैरह, या फिर जो फर्श पक्का नहीं होगा तो क्या करेंगे, इंसेक्ट जो है वो मिट्टी के अंदर गहराई पर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ छिपे हुए रहते हैं। जैसे ही हम ग्रेन का स्टोरेज करते हैं तो ये वापस अटैक स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, गोडाउन जो है उनका जो फर्श है वो क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, पक्की ईंटों से बना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो भी दरारें वगैरह है वो क्या है, नहीं होनी चाहिए, दरारें वगैरह है तो उनको क्या है हमें सीमेंट के थ्रू बंद कर देना चाहिए। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि वो पक्के होने चाहिए। दूसरा क्या है, उनकी जो खिड़कियां जो है ना, खिड़कियां जो है, या फिर बात करें विंडोज़, है ना, विंडोज़ जो हैं ये क्या है, क्लोज होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए, यानी कि इनके अंदर से हवा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक तो पक्का होना चाहिए, उसके बाद क्या है, खिड़कियां है वो एयर टाइट होनी चाहिए, हवा उसके अंदर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या है, ये जो है ये क्या है, आउटसाइड ओपनिंग होनी चाहिए इनकी, है ना, यानी कि बाहर की तरफ खुलनी चाहिए। अगर आपको खिड़कियां खोलनी हैं तो आपको अंदर इंटर होना न पड़े, बाहर से ही हम इनको खोल सकें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें अंदर जो है पूरा गेट वगैरह नहीं खोलना पड़ता। और इसके साथ साथ क्या है, जैसे हम फ्यूमिगेशन करते हैं, है ना, धूम्रपान जब करते हैं, यानी कि कुछ टेबलेट्स वगैरह हम क्या है इनके अंदर स्टोर हाउस के अंदर रखते हैं, जिनके धुएं से क्या होता है, इनके अंदर अगर कोई इंसेक्ट की स्टेज छिपी हुई है तो भी वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर बाहर की तरफ खिड़कियाँ खुलेगी तो हम क्या है इनको बाहर से ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया दरारें जो भी है फर्श के अंदर हो, या वॉल्स के अंदर हो, या फिर बात करें रूफ़ के अंदर हो, तो जितनी भी दरारें वगैरह हैं उनको क्या कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि उनके अंदर क्या है इंसेक्ट एगलिंग ना कर सके, या फिर इनकी कोई भी स्टेज है जो वो छुपी हुई नहीं रह सके, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे सफाई की, है ना, सैनिटेशन की या सफाई की। तो भंडार गृह जो है ना, स्टोर हाउस जो है उसकी हमें अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए। अगर उसमें पहले से कोई क्रॉप का या फिर सीड्स का हमने क्या कर रखा है, भंडारण कर रखा है, उसको निकालने के बाद उसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए। उसके अंदर कुछ भी क्या है ग्रेन्स की अगर बात करें तो कोई भी ग्रेन्स जो है वो बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा लगे इसके बाद पहले तो अच्छे से हम सफाई करेंगे, फिर उसको क्या है पानी से भी अच्छी तरीके से धोएंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई इंसेक्ट की स्टेज वगैरह है या फिर वो क्या है छिपी हुई रह सकती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स या कुछ ट्रीटमेंट्स जो होते हैं जिनको अप्लाई करते हैं, जिनके थ्रू क्या है हम इनको
और अधिक या फिर बात करें श्योर हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ केमिकल्स है। एक तो होता है EDCT, ठीक है, EDCT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एथाइलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये जो केमिकल है, ठीक है, एक तो इसको यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसकी टेबलेट्स क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एथिलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक ही नाम है, इसकी फुल फॉर्म है EDCT की। कई बार ये सीधा ही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि EDCT की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो EDCT को हम यूज़ करते हैं क्या कि 24 घंटे के लिए इसकी 10 लीटर जो मात्रा है उसको 40 घन। अब ये जो है ये क्या है, गैस वाले है ना, तो इनसे क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। अब जो गैस है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सीड वगैरह ग्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हम किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यूबिक मीटर में। तो इसकी बात करें तो इसकी 10 लीटर जो मात्रा है उसको 40 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर यानी कि 40 क्यूबिक मीटर जो ग्रेन्स है, यानी कि 40 क्यूब जो है घन मीटर के अंदर जितना ग्रेन्स आता है उसको इसकी 10 लीटर मात्रा से क्या करते हैं, हम 24 घंटे के लिए उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो इससे गैस निकलेगी वो क्या है, इसको प्योरीफाई कर देती है, या फिर कोई भी इंसेक्ट की जो स्टेज हाइबरनेशन में होती है या फिर छिपी हुई होती है, हाइड स्टेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर बात करेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में हम क्या करते हैं, एक तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का क्वेश्चन आता है कि इससे कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है इससे कौन सी गैस निकलती है, तो इससे गैस निकलती है फॉस्फीन, ध्यान रखना, ठीक है, फॉस्फीन गैस निकलती है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसके अंदर, इसकी एक टेबलेट जो होती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, एक टेबलेट जो होती है उससे क्या है, इसकी एक टेबलेट से 3 ग्राम फॉस्फीन गैस निकलती है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, एक टेबलेट जो होती है उससे 3 ग्राम फॉस्फीन गैस निकलती है। तो हम इसके कितने यूज़ करते हैं, 7 टेबलेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 21 ग्राम, ठीक है, 21 ग्राम जो है उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, 81 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 81 क्यूबिक मीटर जो हमारा एरिया है या ग्रेन्स जो है उनको क्या है, इससे फ्यूमिगेट करते हैं इससे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पहले से अगर कोई रही हुई या फिर बात करें इसके अंदर जो भी छुपी हुई अवस्था जो होगी इंसेक्ट की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब बात करें, ये तो हो गया गोदामों की सफाई, है ना, अब इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे बोरों की सफाई, ठीक है, जिनके अंदर हम ग्रेन्स को फिल करते हैं उनकी, सेकंड जो है बोरों की सफाई, ठीक है। अब बोरों की सफाई में क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले कि जहाँ तक हो, पहली बात तो ये क्या है कि जहाँ तक हो हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश या फिर जो न्यू जो है ना, नए जो बोरे हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, ठीक है। पहली बात तो यही हो गया कि जहाँ तक संभव हो हमें क्या करना चाहिए, न्यू बैग्स जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर नए बोरे हम यूज़ में लेंगे तो उसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंसेक्ट वगैरह के छिपे रहने के कोई चक्कर नहीं है। अगर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप पुराने यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड बैग्स को यूज़ ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो बैग है इनको ट्रीट करते हैं, या इनको पहले क्या करते हैं, एक घोल में डुबो के कुछ समय के लिए रखते हैं। तो वो घोल क्या है, या तो मेलाथियन जो है, मेलाथियन के घोल में
मेलाथियन के घोल में 10 मिनट तक हम क्या करते हैं इसको डुबो के रखते हैं, 10 मिनट तक डुबो के रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट की अगर छिपी हुई अवस्था है तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इनको क्या करते हैं हम धूप में सुखा के और वापस से नए जो है ग्रेन्स इनको इनके अंदर भर सकते हैं। या फिर बात करेंगे वही जो हमने अभी बात की थी EDCT का, उसका घोल यूज़ करते हैं, या फिर क्या है EDCT जो है उसका घोल है जो उसको काम में लेते हैं इसको धोने के लिए। ठीक है, 1 लीटर जो घोल है इसका, 1 लीटर घोल है वो 10 जो बैग्स है या फिर बात करें बोरे जो हैं उनको साफ कर सकते हैं हम इसके 1 लीटर घोल से। ठीक है, अब ये हो गया। इसके अलावा हम क्या करते हैं गर्मी के समय में, ठीक है, गर्मी के समय में यानी कि समर सीजन के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि ये जो भी खाली बोरे जो हैं इनको क्या करते हैं धूप में कम से कम क्या है 6 घंटे तक इनको क्या है धूप में हमें सुखाना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे तक हम क्या करते हैं इनको धूप में सुखाते हैं, जिससे क्या होगा अगर इंसेक्ट की कोई भी स्टेज इसके अंदर छिपी हुई है तो वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इनको 15 मिनट तक, ठीक है, इनको 15 मिनट तक गर्म पानी में क्या हम करते हैं बॉईल करते हैं। ठीक है, इनको पानी के अंदर अगर बॉईल करेंगे 10 मिनट तक, तब भी क्या है इनके अंदर अगर कोई भी इंसेक्ट की छुपी स्टेज है तो वो लगभग 99% क्या है ख़त्म हो जाती है। और इसके इन जो बोरे हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से क्या है नए ग्रेन्स को भरने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड बोरों की सफाई के लिए। ये सब क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि प्रिवेंट कैसे करेंगे हम उनको, रोकेंगे कैसे जो भी पेस्ट वगैरह है उनको फैलने से या फिर नुकसान पहुँचाने से। ठीक है, अब फिर बात करेंगे अनाज की सफाई की। ये ठीक है, ये हो गया बोरों की सफाई और गोदाम की सफाई के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अनाज की सफाई। ठीक है, अनाज की सफाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अनाज की जो ढोने वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, यानी कि जो भी गाड़ियां वगैरह हैं जिनके थ्रू क्या है हम इनको लेके आते हैं सीड्स जो है उनको, ठीक है, उनको क्या है हम अच्छी तरीके से हमें धो के उनको क्या है साफ़ कर लेना चाहिए। और जहां तक हो हमें क्या करना चाहिए उनको जो फिनाइल है ना, फिनाइल के घोल से क्या है हमें इनको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि इनके थ्रू अगर कोई इंसेक्ट या बात करें पेस्ट जो है वो चल के आ रहा है कहाँ स्टोरेज तक तो वो नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे फिर इसके बाद तो सुखाने की। ठीक है, उनके जो है टेम्परेचर की जो हमने मेन फैक्टर भी पढ़े थे 2-3, तो इसमें क्या है उनको स्टोर करने से पहले, ठीक है, स्टोर प्री स्टोर की अगर बात करें यानी स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं जैसे उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं थ्रेसिंग करते हैं तो उसके बाद इनको जब हम खलियानों में लेके आते हैं, ठीक है, जो खाली स्थान हमारे पास होता है खलियान में हम जब इसको लेके आते हैं तो वहाँ कम से कम हम क्या करते हैं 8 घंटे तक धूप में इनको सुखा के रखते हैं। या फिर बात करें जो नमी है वो कितनी रह जानी चाहिए 8 से 10% जब तक नहीं रह जाती हम इनको क्या है वहाँ पे सुखाते हैं। और जब हमें ये नमी लगे कि 8 से 10% तक हो गई है, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनको स्टोरेज के लिए स्टोर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बार बात करें भंडारण से पहले, है ना, स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे एक बार फिर से क्या चेक करेंगे जो गोदाम है उनकी अच्छी तरीके से सफाई हो। ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा करकट या मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसको क्या है अच्छे से दोबारा से साफ़ कर लेना चाहिए ताकि क्या है इनको भंडारण करते समय कोई परेशानी ना आए या फिर इंसेक्ट की अगर पहले से कोई स्टेज हो तो वो वहाँ से हट जाए। ठीक है, अब अगर बात कर रहे हैं कि इनको बोरियों में भर के रखना है, ठीक है, बोरियों में भर के रखना है तो भर के रखते समय एक तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू बोरी वो काम में लेना चाहिए, वो तो हमने पढ़ लिया बोरों में। अब बात करेंगे स्पेस की, तो जहाँ हम जो है ये बोरियाँ वगैरह भर के रखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक तो ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्श वाला जो एरिया होता है, ठीक है,
फ़र्श जो होता है उसको डायरेक्ट हम क्या है फ़र्श के ऊपर कोई भी बोरी नहीं रखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं उसके नीचे कोई भी भूसे वगैरह की है ना जो भी स्टबल्स या भूसा वगैरह होता है उसकी क्या है एक परत बनाएंगे, और इस परत के ऊपर फिर हम क्या है या फिर करें ईंटे वगैरह रख सकते हो आप नीचे, तो उसके ऊपर क्या है हम इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको रख के इसके ऊपर हम क्या है बोरियां जो है उनको रखेंगे, सीधा हम क्या है फर्श जो है उसके ऊपर नहीं रखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें सेकंड जो थिंग है दीवार से, अब इनकी जो दीवार से दूरी रखते हैं, ठीक है, तो इनको दीवार से कभी भी सटा के नहीं रखना चाहिए, दीवार से क्या है कम से कम 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर का क्या है हमें दूरी रखनी चाहिए, दीवार से कम 50 सेंटीमीटर वो जो है बोरियां दूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर दीवार से सटा के रखोगे तो दीवार के ऊपर जो लगने वाले या बात करें दीमक वगैरह हो गई या इसके अलावा मान लीजिए किसी दरार में कोई इंसेक्ट छुपा हुआ है तो उसको क्या आसानी होती है बोरों में अटैक करने में। ठीक है, तो इससे क्या है इसके अंदर उनका नुकसान चालू हो जाता है, इसलिए इनको कभी भी क्या है दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए। अब अगर बात करें कि उपचार, ठीक है, इनको क्या है रखने से पहले ये जो भी सीड होते हैं इनको रखने से पहले यानी कि भंडार गृह में रखने से पहले हम क्या करते हैं इनको उपचारित करते हैं। उपचारित करने का मतलब क्या है कि इनको फ्यूमिगेट करते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेट करते हैं, फ्यूमिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं अभी मैंने आपको केमिकल बताए थे ADCT वगैरह उनका यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके इनको हम क्या ध्रुमन करते हैं या फिर फ्यूमिगेट करते हैं, ताकि क्या है इनको फ्यूमिगेट करने के बाद में अगर हम स्टोर करते हैं तो अगर कोई इंसेक्ट की स्टेज मान लो बाई चांस फील्ड कंडीशन से आ गई है इनके साथ तो वो भी क्या है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है एक तो EDCT यूज़ करते हैं, ठीक है, EDCT यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा बात करें तो जो नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट जो होता है NSK आपने सुना होगा नाम NSK है, इसको अगर हम 100:1 यानी कि 100:1 के रेशियो में यूज़ करते हैं ग्रेन्स के साथ यानी कि 100 भाग आपके ग्रेन्स का और एक भाग NSK का अगर ऐसे हम इसको रखते हैं, ठीक है, इसको नीम सीड पाउडर के साथ मिलाकर रखेंगे अगर, तो इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट वगैरह है उनका क्या है डैमेज नहीं होता है या फिर हमारे ग्रेन जो है वो हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सब पहले के है ना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, यानी कि आपको रोकना है अगर इंसेक्ट को इसके अंदर पहुंचने से है ना, वो हो गया। अब बात करेंगे मान लीजिए कि अटैक हो गया है, ठीक है, अटैक हो गया है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए आफ्टर, ठीक है, यानी कि बाद में अटैक होने के बाद में अगर आफ्टर अटैक यानी कि आक्रमण के बाद में अगर हम चाहें कि इनको कैसे मैनेज करें तो इसके लिए क्या करते हैं हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उनके अगर उनसे ट्रीट किए तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो EDCT है मेन ये यूज़ होता है। ठीक है, ADCT इसका नाम याद कर लेना भी अच्छे से एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं इसको लगभग 0.5 ml जो है यूज़ करते हैं पर मेट्रिक टन। ठीक है, 0.5 liter सॉरी ml नहीं 0.5 liter आधा लीटर मात्रा जो है वो पर मेट्रिक टन क्या है से क्या हम इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हाइबरनेट जो भी स्टेज होगी या छुपी हुई अवस्था जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये हो गया EDCT, इसके अलावा हम क्या करते हैं एक होता है EDB इथाइलिन डाइब्रोमाइड EDB जो है इसको भी क्या है हम यूज़ करते हैं 3 ml इसकी मात्रा। ठीक है, इसको भी यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो जिससे क्या है कि यह भी गैस ही है। ठीक है, 3 per quintal पर क्विंटल यूज़ करते हैं तो इनसे भी गैस निकलती है जिससे क्या ब्रोमाइड गैस निकलती है और इससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रेन्स वगैरह है इनके अंदर अच्छे से ये क्या है निकल सकती है। जो गैस होती है वो क्या है सीड के अंदर आसानी से गुजर सकती है, तो इससे क्या है उसके अंदर अगर सीड के अंदर कोई हाइबरनेट में या फिर बात करें हाइड हुई स्ट्रक्चर है तो वो ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। इसके अलावा तो ये हो गया, इसके अलावा आपके सिलेबस में जो बचता है स्टोरेज से रिलेटेड अगर बात करें तो वो है स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि भंडार गृह की जो स्ट्रक्चर है आपने उसमें जो आपका इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसके अंदर पढ़ा भी होगा, यानी कि स्टोरेज जो है स्ट्रक्चर जो है ना, उनके बारे में है, जैसे हापुट बिन है, पुसा बिन है, कोठारी है, बुखारी है ना, जिनके अंदर इनको स्टोर करते हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना एक बार। वैसे उसका क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक, लेकिन पूछ भी सकते हैं तो उसको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आने वाली वो यही है, तो स्टोरेज में से एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, और इनका जो मैनेजमेंट है इसको अच्छे से पढ़ लेना, सारे टॉपिक एक एक करके इनमें से एक आधा क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है। ओके ठीक है, तो आपका ये स्टोरेज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो भी फील्ड क्रॉप्स के या फिर कुछ वेजिटेबल्स के, इसके अलावा फ्रूट क्रॉप के पेस्ट बचते हैं, उनको हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। ओके थैंक यू।